हाय गाइस, मैं हूँ मेघा एंड वेलकम टू माय चैनल पोकी मेक जिंदी, जहाँ हम बात करते हैं ऑल अबाउट फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल एंड मॉमी टॉक। सो गाइस, दिस इज अनदर फैशन बेसिक्स वीडियो। आपको पता है कि आजकल वाइड लेग जीन्स बहुत ज़्यादा चल रही है, बहुत ज़्यादा फैशन में है एवरीवेयर, इंटरनेशनली, इंडिया में सब लोग अभी वाइड लेग जीन्स पहने लगे हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी हाउ यू कैन स्टाइल वाइड लेग जीन्स इन डिफरेंट वेज, ताकि अगर आप कन्फ्यूजन में हैं कि इनको कैसे स्टाइल करें, आपने ले लिया और आप सोच रहे हैं कि सर कैसे टॉप्स पहने या कैसे स्टाइल करें, तो दिस वीडियो इज फॉर यू। इससे पहले कि हम वीडियो की तरफ बढ़े, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं फॉर ऑल सच फैशन टिप्स, ट्रिक्स एंड एवरीथिंग। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है परकी मेक्स, टू फॉलो मी देयर। तो चलिए गाइज, अब लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले द मोस्ट वर्सेटाइल पीस जो मेरे पास है इन वाइड लेग जीन्स मेरे वार्डरोब में, दैट इज दिस डार्क ब्लू वाइड लेग जीन्स। तो ये जो है मैंने ली थी फ्रॉम H&M। एक और मेरे पास वाइट कलर की है, दैट ऑल्सो आई गॉट फ्रॉम H&M। आई एम रियली सॉरी गाइज फॉर द नॉइज, कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, आई कॉन्ट डू एनीथिंग अबाउट इट, बट आई होप मेरी आवाज़ आपको आ रही है। सो दीज आर द टू डेनिम्स जो मेरे पास है इन द वाइड लेग कैटेगरी। वाइड लेग इज़ बेसिकली जब बेल बॉटम्स पहले होती थी, अब वापस फैशन में आ गई है, तो दैट इज़ व्हाट इट इज़। तो सबसे पहले आप इस तरह की जीन्स के साथ स्टाइल कर सकते हैं, ओवर साइज टी शर्ट्स, दैट्स माई पर्सनल फेवरेट, मुझे बहुत पसंद है। सो इस तरह की ओवर साइज जो टी शर्ट्स हैं आप पहन सकते हैं विद अ वाइड लेग जीन्स। ओनली ट्रिक ये है कि आपको इसे बाहर नहीं निकालना है, आप इसे जीन्स के अंदर टक इन करना है। अगर आप बाहर निकालेंगे ना, तो जीन्स भी बैगी है नीचे से और टी शर्ट भी बैगी हो गया, तो ओवरऑल लुक आपको एक अच्छा फिटेड नाइस लुक नहीं देगा। सो दिस इज अ ट्रिक जो आपको याद रखनी है कि अगर आप ओवर साइज टी शर्ट को स्टाइल करें विद द वाइड लेग जीन्स, तो उसको ऑलवेज टक इन। सो इससे क्या होता है, ये हाई वेस्ट वाइड लेग जीन्स है, तो टमी पे बहुत अच्छा शेप आता है, ऐसा लगता है कि आपकी जो टमी है वेरी फिटेड है, ऊपर से ओवर साइज टी शर्ट है। तो दिस इज माई पर्सनल फेवरेट स्टाइल, स्पेशली इफ यू हैव टमी फैट, दिस इज ग्रेट। आप हाई वेस्ट वाइड लेग जीन्स में इन्वेस्ट कीजिए एंड पेयर इट विद अ नाइस ओवर साइज टी शर्ट। मुझे पर्सनली हाई वेस्ट वाइड जीन्स पसंद है, मुझे लो वेस्ट नहीं पसंद है, बिकॉज आई हैव टमी फैट, तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है, बिकॉज उस पर वेस्ट पे एक अच्छा शेप आता है एंड इट गिव्स illusion of a nice slim waist। तो दिस इज द फर्स्ट टॉप जो आप ट्राई कर सकते हैं विद अ वाइड लेग जीन्स। दूसरी टाइप के टॉप्स जो आप पहन सकते हैं विद अ वाइड लेग जीन्स आर फिटेड लॉन्ग टॉप्स, उसको भी आप टक इन करके पहनिए। फिटेड लॉन्ग टॉप्स, जैसे कि मैं आप पिक्चर लगा दूंगी या वीडियो लगा दूंगी रेफरेंस के लिए। सो दिस इज अ वाइड फिटेड टॉप जो मैं वाइड लेग जीन्स पर पहनती हूँ, टक इन करके इट लुक्स रियली नाइस। तो आप लॉन्ग फिटेड टॉप्स को भी टक इन करके पहन सकते हैं। नेक्स्ट जो आते हैं, दोज आर क्रॉप टॉप्स जो वाइड लेग जीन्स पर पहन सकते हैं। क्रॉप टॉप इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि वो आपके वेस्ट से ऊपर थोड़े से एंड हो जाते हैं, वेस्ट आपकी अच्छी सी दिखती है, उसमें नाइस फिटेड नाइस स्लिम वेस्ट दिखती है। तो एक जो ट्रिक आप समझ रहे हैं वाइड लेग जीन्स को स्टाइल करने में, दैट इज कि आपका जो वेस्ट एरिया है वो जीन्स का वो दिखना चाहिए। सो टॉप या तो आप टक इन करिए ताकि वो वेस्ट दिखे, या फिर क्रॉप टॉप पहनिए ताकि वो वेस्ट दिखे, बिकॉज दैट लुक्स रियली नाइस। सो दिस इज अ क्रॉप टॉप, ये स्पोर्टी टाइप के क्रॉप टॉप्स होते हैं, लूज लूज, आई लव वेयरिंग दीज। ये आपको बहुत सारे मिल जाएंगे ऑन H&M, ऑन मिंत्रा में बहुत सारे ब्रांड हैं जिनमें आपको इस तरह के क्रॉप टॉप्स मिल जाएंगे। सो दीज लुक रियली कूल, इसमें आपको कोई बैठने उठने का इशू नहीं है, मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि हमने कुछ खा लिया तो वो फिटेड टॉप्स में प्रॉब्लम होती है ना, कि वो थोड़ा सा खाते ही पेट निकल जाता है। सो आई लव दीज क्योंकि इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता, एंड लव दिस दीज वेयरिंग विद माई यू नो नॉर्मल जीन्स ऑल्सो, बट वाइड लेग मेरी जो जीन्स है ब्लू वाले उसके साथ भी मैं बहुत पहनती हूँ, आई लव वेयरिंग दीज। सो दीज आर ऑल्सो नाइस। मैं एक और आपको दिखाती हूँ, दिस वॉज फ्रॉम H&M। अनदर वन जो मैं आपको दिखाती हूँ, आई गॉट दिस वन एंड दिस इज फ्रॉम मिंत्रा। सो मैंने मिंत्रा से लिया था, सो दिस इज ऑल्सो द सेम टाइप ऑफ एकदम ढीला ढीला शॉर्ट क्रॉप टॉप है। सो ये भी बहुत अच्छा लगता है विद दिस टाइप ऑफ जीन्स। सो पहला हो गया गाइस ओवरसाइज टी शर्ट्स, दूसरी हो गई फिटेड लॉन्ग टी शर्ट्स दोनों टक इन करके, तीसरा हो गया आपका क्रॉप टॉप्स लूज वाले। नाउ क्रॉप टॉप का एक और स्टाइल आता है विच इज़ अ फिटेड क्रॉप टॉप लाइक दिस, ये भी आप पहन सकते हैं अगेन टक इन करके, अगर लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा है, अगर वेस्ट पे ही एंड हो रही है तो बहुत ही अच्छा है, बट अगर वेस्ट से ज़्यादा आ रही है, नीचे लॉन्ग है थोड़ा सा, तो अंदर टक इन कर लीजिए। एक और मेरे पास है विच आई विल शो यू, जो इस टाइप के फिटेड क्रॉप टैंक टॉप्स होते हैं। सो दिस इज़ द वन आई गॉट दिस रिसेंटली अगेन फ्रॉम H&M। H&M में ऐसे बेसिक टॉप्स बहुत मिल जाते हैं आपको, 600, 700 से 1000 तक की कैटेगरी में मिल जाएंगे, एंड द क्वालिटी इज़ रियली गुड। ज़ारा पे थोड़े महंगे मिलते हैं, मिंत्रा पे भी आपको 500 से 1000 तक के बहुत से क्रॉप टॉप्स मिल जाएंगे। सो दिस इज़ द वन दैट आई गॉट, एंड ये भी बहुत अच्छा लगता है विद वाइड लेग जीन्स। सो दिस इज शॉर्ट फिटेड क्रॉप टॉप, और वो थे लूज क्रॉप टॉप्स। नाउ जो नेक्स्ट स्टाइल आप कर सकते हैं विद वाइड लेग जीन्स इज कि आप क्रॉप टॉप्स पहन
पहनिए लाइक दिस क्रॉप टॉप. ये छोटा वाला क्रॉप टॉप है, मतलब काफ़ी छोटा है. एंड इसके ऊपर ले लीजिए एक ओवर साइज शर्ट. इट लुक्स रियली नाइस गाइज, बहुत अच्छा लगता है ये स्टाइल. आई डू इट अ लॉट, मैं पैंट्स के साथ करती हूँ, इस जीन्स के साथ करती हूँ. इट लुक्स वेरी नाइस. तो अगर आप वेकेशन पे जा रहे हैं और यू आर कंफर्टेबल वेयरिंग इट डेली में भी, तो आप पहन सकते हैं. वेकेशन पे आप ये स्टाइल कर सकते हैं. इट लुक्स रियली नाइस. सो छोटा वाला क्रॉप टॉप, एकदम जो इस तरह का हो, ब्रालेट टाइप ऑफ जो टॉप्स होते हैं, और उसके ऊपर आप एक शर्ट ले लीजिए, ओवर साइज लॉन्ग शर्ट. सो यू आर गुड टू गो. ये भी एक स्टाइल है जो आप कर सकते हैं विद वाइड लेग जीन्स. बट अगर आप इस स्टाइल में कंफर्टेबल नहीं है, सो ऑल द स्टाइल्स इससे पहले जो मैंने आपको बताए वो आप ट्राई कर सकते हैं विद वाइड लेग जीन्स. एक और स्टाइल जो आप कर सकते हैं, इस तरह का जो ब्रालेट टॉप्स है उसके ऊपर आप ब्लेजर ले सकते हैं. ब्लेजर ऑल्सो लुक्स वेरी नाइस. अभी तो गर्मी है, आई विल नॉट सजेस्ट अ ब्लेजर बिकॉज लिनन ब्लेजर्स में भी मुझे तो बहुत गर्मी लगती है गर्मी के सीजन में. बट जैसे मार्च अप्रैल के जो सीजन होते हैं, जिनमें ना ज्यादा ठंड होती ना ज्यादा गर्मी होती है, या फिर जो ट्रांजिशन वेदर होता है लाइक इन सेप्टेम्बर, उसमें आप इस तरह का स्टाइल कर सकते हैं लाइक ब्रालेट टॉप विद अ ब्लेजर. इट लुक्स वेरी नाइस. ऑल्सो गाइज, आप हाई वेस्ट जीन्स के साथ पहन सकते हैं और पेपलम टॉप्स लाइक डेनिम ऑन डेनिम, बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है डेनिम ऑन डेनिम. तो लाइक वाइड लेग जीन्स के ऊपर आप डेनिम लॉन्ग टॉप पहनिए, बेल्ट वाला टॉप पहनिए, या फिर पेपलम टॉप पहनिए. तो इट लुक्स रियली रियली नाइस. आजकल बहुत ट्रेंड में है डेनिम ऑन डेनिम, सो यू कैन ट्राई डेनिम ऑन डेनिम. आप डेनिम क्रॉप टॉप भी पहन सकते हैं, डेनिम लॉन्ग टॉप भी पहन सकते हैं, ए लाइन पहन सकते हैं, बेल्ट वाले आते हैं पेपलम वो पहन सकते हैं. तो डेनिम ऑन डेनिम इज ऑल्सो ट्रेंडिंग एंड इट लुक्स रियली नाइस, स्पेशली विद हाई वेस्ट वाइड लेग जीन्स. ये बहुत अच्छा लगता है. और गाइज, आप वाइड लेग जीन्स के साथ पेयर कर सकते हैं टक इन किया हुआ स्वेट शर्ट. अभी तो गर्मी का सीजन है, सो इसलिए मैंने इसको लास्ट में रखा है, बट सर्दी में भी आप ये स्टाइल कर सकते हैं. तो लॉन्ग स्वेट शर्ट को मैंने आपको दिखाया था ना ट्रिक, उसको छोटा बनाने का, उस पर एक बेल्ट लगा लीजिए एंड उसको ऊपर खींच लीजिए, तो आपका क्रॉप टॉप बन जाता है स्वेट शर्ट का. बेसिकली जैसे लूज आप क्रॉप टॉप पहन रहे हैं इन द समर सीजन, तो आप सर्दियों में लूज स्वेट शर्ट पहन सकते हैं छोटा करके, क्रॉप स्वेट शर्ट बना के विद द वाइड लेग जीन्स. वो भी स्टाइल बहुत अच्छा लगता है and celebrities उसको बहुत support करते हैं. I personally also love to wear that style in the winter. मैंने बहुत पहना है. So guys, these were all the styles जो आप कर सकते हैं with the wide leg jeans. Let me know आपने क्या already try कर चुके हैं और क्या try करना चाहेंगे. ऑल्सो आप अगर मुझसे बहुत बार पूछते हैं कि मेघा आपने वाइड लेग जीन्स कहाँ से ली, इसका लिंक दीजिए. तो कुछ लिंक्स जो मुझे मिलेंगे जो इन स्टॉक हो, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई विल ट्राई टू पुट सम लिंक्स, लेकिन अगर नहीं हुए तो प्लीज़ मेरे पीछे मत पड़ जाना डंडा लेके, बिकॉज अगर मिल पाएंगे तो मैं डाल दूंगी सो दैट आप लोगों के लिए यूजफुल हो. बट वाइड लेग जीन्स यार हर जगह अवेलेबल आजकल. आप मिंत्रा फ्लिपकार्ट सब पे ढूंढो, मीशो पे ढूंढो, अमेजोन पे ढूंढो, H&M ज़ारा, जहाँ पे भी आपको कंफर्टेबल आप वहाँ पे ढूंढो, आपको मिल जाएंगी. एंड ट्राई टू इन्वेस्ट इन बेसिक कलर्स लाइक ब्लैक, ब्लू जो सबसे ज्यादा वर्स्ट स्टाइल है, देन ब्लैक, देन व्हाइट. ये सब काफी काम आती हैं. कलर्ड वाली जो है वो इतना काम नहीं आती है, बट इफ यू वांट टू इन्वेस्ट यू कैन इन्वेस्ट इन दोज ऑल्सो. बट अगर आपको पहले इन्वेस्ट करना है तो इन्वेस्ट इन द बेसिक वंस. सो गाइज, ये था आज का वीडियो. आई होप यू आर लाइक इट. लेट मी नो आप और कौन सा बेसिक फैशन वीडियो देखना चाहेंगे. ये तो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड था, इसलिए आई मेड दिस वीडियो. लेट मी नो आप और क्या देखना चाहेंगे, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, सो डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ बिग थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू पोकी मेक्स हिंदी ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोज के लिए. आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं फॉर फैशन रील्स पोस्ट, कुछ इंटरेस्टिंग यू नो पर्सनल अपडेट्स. मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है पोकी मेक्स, टू फॉलो मी देयर. आप मुझे YT शॉर्ट्स में भी चेकआउट कर सकते हैं, मैं शॉर्ट्स बनाती हूँ, तो कि मैं एक जिंदगी शॉर्ट्स डालेंगे तो मेरे शॉर्ट्स आ जाएंगे. सो गाइस, ये था आज का वीडियो. मिलती हूँ आपको अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में. फील ब्यूटीफुल, बी स्टाइलिश. बाय बाय.